हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस लेक्चर में मैं ख़त्म करूंगा आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर, मतलब एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट आज हो जाएगी। और इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक ख़त्म कर लिए थे अपने क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। ए लॉट consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. बहुत ज़्यादा भाई ये defective non defective पूछ रहा है यार। 144 ball pen है total. Total ball pen कितने हैं भाई? 144. तो total pens तो हमारे पास हो गए 144. जिसमें से defective कितने हैं भाई? 20. तो यार good कितने बचे? बता दो यार। डिफेक्टिव 20 है, डिफेक्टिव बोल रहा है भाई 20, तो ऑब्वियस सी बात है गुड कितने बचे? माइनस कर दो, 144 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 124। ओके, तो भाई प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है यहां पर। क्वेश्चन को और पढ़ लो, पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। नूरी विल बाय अ पेन If it is good, but will not buy if it is defective. ये भी कोई कहने वाली बात है? ऑब्वियसली बात है यार, हर कोई बंदा डिफेक्टिव तो लेगा ही नहीं भाई, कोई भी हो, अगर सही होगा तो ही वो खरीदेगा। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट? तो भाई कब खरीदेगी? जब पेन क्या होंगे? अच्छे होंगे। तो भाई पहले पार्ट का प्रोबेबिलिटी will buy it हो जाएगी 124 अपॉन 144। 2 से काटते हैं, 26 जा 12, 22 जा 4, 27 जा 14, 22 जा 4, अगेन 2 से काटते हैं, 23 जा 6, 21 जा 2 और 23 जा 6 और 26 जा 12, तो ये आ गया हमारा 31 अपॉन 36। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, सी विल नॉट बाय इट। भाई कब नहीं खरीदेगी? जब वो डिफेक्टिव होंगे, और डिफेक्टिव कितने थे हमारे? 124 गुड थे, डिफेक्टिव हमारे 20 थे, तो 20 अपॉन 144, तो ये हो गया, 4 से मैंने काटा, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 4 6 जा 24, मतलब 5 अपॉन 36। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट 21। अब भाई देख लो यार क्वेश्चन नंबर 22। रेफर टू एग्जाम्पल 13। भाई ये नहीं करा रहा हूं मैं, है ना, इतने क्वेश्चन करा दिए यार, अब तो एक क्वेश्चन तो खुद भी कर लोगे। ये टेबल है यार, ये टेबल आपको खुद कंप्लीट कर लेनी है ना, ये मैं नहीं करा रहा हूं। ओके, मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 23। पहले इसको हटा देता हूं, पेन कैप गिर गई, मार्कर की कैप गिर गई, कोई बात नहीं, मैंने इसको रब किया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ए गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। एक कॉइन को 3 बार उछाला जा रहा है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार इसके आउटकम को नोट करा जा रहा है, तो हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स और 3 टेल। भाई वो कब जीतेगा? जब या तो तीनों के तीनों हेड हो या तीनों के तीनों टेल हो, मतलब सेम रिजल्ट हो, और अदरवाइज लूज कर देगा गेम को। तो आपसे प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा है, हनीफ विल लूज द गेम, गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी आप लोगों से यहां पर पूछ रहा है। तो पहले तो बात करो यार, 3 टाइम उछाला गया है, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे यहां पर? आउटकम कौन कौन से, पहले ये देखो, आउटकम्स आर, पहले मैंने कहा हेड 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 आया, फिर मैंने कहा हेड हेड टेल आया, फिर मैंने कहा भाई हेड टेल टेल आया, अब टी एच एच आया, टी एच टी आया, टी टी एच आया, टी 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 आया, और फिर टी एच एच हो गया, एच टी एच नहीं हुआ, एच टी एच आया। तो ये 4 और 4 8, तो टोटल पॉसिबल आउटकम है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए भाई? 8, जब एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है।
तो भाई जीत किस किस केस में रहा था, जब तीनों पे तीनों सेम रिजल्ट हो, तो हारेगा कितने केस में, एक दो तीन चार पांच छह केस में यार वो हार जाएगा। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज गेम हो गई 6/8, तो 2 3 6 2 4 8, तो आंसर आ गया हमारा 3/4। ओके भाई क्लियर हो गया, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, डाई का आ गया वो भी दो बार, मैंने टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फर्स्ट लेक्चर में आपको पॉसिबल आउटकम बताए थे, तो अब भाई ये भी सेम पॉसिबल आउटकम होंगे, क्यों, क्योंकि एक डाई को दो बार फेंको या दो डाइस को एक साथ फेंको, दोनों में कंडीशन सेम रहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 24। तो पहले तो मैं टू डाइस के पॉसिबल आउटकम लिख देता हूं यार, टू डाइस को जब थ्रोन किया गया तो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे मैं लिख देता हूं जल्दी से, पॉसिबल आउटकम्स आर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे भाई 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे सबके लिए करना पड़ेगा मुझे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे भाई आपका 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, नाउ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये हुआ 5 6, और नाउ लास्ट रो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ओके, तो ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम जब हम लोग दो डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं, एक डाई को दो बार फेंक रहे हैं, तो ये टोटल केस कितने हैं आपके 36, क्योंकि 6 × 6 हो गया आपका 36, एक में छे दूसरे में छे, तो 6 × 6 हो गया हमारा यहां पर 36। ओके, अब क्या पूछा है इसने, प्रोबेबिलिटी आपको वो निकालनी है भाई, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक भी बार 5 आना ही नहीं चाहिए, तो यार 5 वाले सारे केसेस को हटा दो, कौन कौन से होंगे भाई, एक तो देखो ये पूरी रो, इसमें हर जगह 5 आ रहा है, एक जगह तो 5 आपको दिख ही रहा है ना, तो एक तो ये पूरी रो, तो 2 4 और 6, और एक भाई ये पूरी रो ले लो जिसमें आपको 5 दिख रहा है, तो 6 4 10 और 1 11, तो टोटल 11 केस हैं जब 5 आ रहा है, पर इस यार जब 5 आ रहा है ये तो वो बात हो गई, जब 5 आ रहा है, पर पहले पार्ट में तो इसने पूछा है 5 विल नॉट कम, तो यार 36 में से 11 को हटा दो ना, जो बचे हैं वो आ जाएंगे, तो 36 में से 11 गया तो 25 बचा दो भाई, भाई 5 विल नॉट कम एट वंस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 25/36, 25 ऐसे केस होंगे जब आपका 5 नहीं आ रहा होगा एक भी बार। ओके, अब 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मैंने आपको बोला है एट लीस्ट का मतलब ज्यादा वाले भी ले रहे हैं, मतलब दो बार भी आ जाए तो चलेगा, तो यार इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस की, हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई भाई 11/36, जो 11 में 5 आ रहा था अब हमने उनको ले लिया, तो ये आ गया हमारा 11/36। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 25, हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शनल खुद आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज उसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले मैं मेन एक्सरसाइज कराऊंगा सभी चैप्टर्स की, फिर जाकर आपको ऑप्शनल पे ले जाऊंगा। ओके, तो चलिए इसको रब करते हैं अब, तो ये अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 का 25th। Which of the following arguments are correct and which are not correct? थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन,
बोल रहा है भाई गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला पार्ट, दो क्वाइन को एक साथ उछाला गया, देर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड टू टेल्स और वन ऑफ ईच। दो क्वाइंस को एक साथ उछाला गया तो बोल रहा है कि सिर्फ तीन पॉसिबल आउटकम है। नहीं यार, यहां तो इसकी यही बात पहले ही गलत हो गई, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम तो कितने होंगे, चार होंगे। कौन कौन से? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, तो ये तो भाई पहले यहां पर गलत हो गया। और फिर कह रहा है क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी? अगेन भाई रॉन्ग। सबकी प्रोबेबिलिटी आपकी कौन कौन से बोले थे, दो हेड, उसकी भी आपकी क्या होगी, दो हेड की 1/3, 1/4, टू टेल्स की भी 1/4, और टू हेड और टू हेड, या तो टेल हेड हो या हेड टेल हो, एक हेड हो तब भी आपकी दो केस होंगे, एक टेल हो तब भी आपके दो केस होंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। तो भाई ये तो गलत है, ये आपका इनकरेक्ट है। हर की पॉसिबिलिटी, हर आर्ग्यूमेंट की पॉसिबिलिटी यहां पर प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है। हेड हेड की अगर बात करें तो ये हो जाएगी 1/4। दोनों हेड की, एक हेड की बात करें तो वो आ जाएगी आपकी 2/4। एक टेल की बात करें सिर्फ तो वो हो जाएगी आपकी अगेन 2/4, और दोनों टेल की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी भाई 1/4। तो ये तो भाई इसने गलत कहा था। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट, इफ अ डाई इज थ्रोन देर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस ऐसा हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। यस भाई ये तो करेक्ट बोल रहा है, यस इट इज करेक्ट, क्योंकि इक्वली आउट, क्योंकि भाई इक्वली लाइक आउटकम है यहां पर। देखो डाई में होता है ये, ऑड नंबर कौन कौन है, 1, 3 और 5, तो टोटल 3 ऑड नंबर है और वैसे हमारे टोटल कितने हैं, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 3/6 जो क्या आ जाएगी, 1/2। ओके तो भाई ये इसका सही है, पहला पार्ट इसका गलत है। तो इस तरीके से माय फ्रेंड कंप्लीट हुआ हमारा ये चैप्टर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पसंद आ रहा होगा, प्यारे बच्चों हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज माई फ्रेंड सपोर्ट माई चैनल और शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड एज यू कैन। Now, tata, bye-bye.